प्रचार के दौरान भक्तों के सामने ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन प्रभुपाद तो बहुत वैभव में रहते थे। यही प्रश्न जब गुरुदेव को किया गया तब गुरुदेव ने इसका समाधान कर दिया हमें तत्व ज्ञान देके। श्रील गुरुदेव कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर हुए अथवा श्रील प्रभुपाद, वो अपना सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते थे, कुछ भी एक पैसा भी अपने भोग में नहीं लगाए। भगवान कृष्ण हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं और वो हमारे हृदय की गहराई में जो कामना है उसको भलीभांति जानते हैं। वास्तव में जो हमारा इच्छा है भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान के भक्त की आंखें ज्ञान से खुला रहता है, इसलिए वो देख सकता है कि इंद्रिय उपभोग करना मतलब अनगिनत दुखों को आमंत्रण करना है। जो केवल उपभोग में अपना जीवन काटते हैं वो इस संसार के बंधन से कभी नहीं निकल पाते। इसीलिए भक्त भगवान के चरण कमल में पूर्ण शरणागत होके भक्ति के अलावा और कोई दूसरा कामना नहीं रखता। उसके हृदय के किसी कोने में भी कहीं पर वासना का गंध भी नहीं होता। तब भगवान उसको असीमित ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जिसको भक्त भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कि पारसमणि, जो इस दुनिया का सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो चीज़ सनातन गोस्वामी के पैरों के नीचे लोटता फिरता था। सनातन गोस्वामी उसको लात मार देते तो फिर से आ जाता उनके पैर के नीचे, क्योंकि सभी वस्तु चाहते हैं कि भगवान के सेवा में लग जाएं। जब आपके हृदय के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अंतर में भी उपभोग का लेस मात्र कामना नहीं होगा, थोड़ा सा भी, तब भगवान आपको बहुत ऐश्वर्य देंगे कि आप इसको भगवान की सेवा में उपयोग करो। तब आप बाहर से तो बहुत ऐश्वर्यवान रहेंगे, बहुत धन संपत्ति होगा आपके पास, लेकिन आपके अंदर उपभोग का थोड़ा सा भी कामना नहीं होगा। अंदर से आप बिल्कुल दीन अकिंचन होंगे। महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, मेरे गुरुदेव हिज डिवाइनेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, सब ऐसे ही थे, अंदर से तो बहुत दीन, जिनका कोई उपभोग का कामना नहीं, और बाहर से बड़े बड़े ऐश्वर्य धन और शक्ति से पूर्ण। वो खुद के उपभोग के लिए कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। जो कुछ उनके पास आता था वो सब भगवान की सेवा में लगा देते थे, इसीलिए वो वास्तव में दीन है। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो अपना जीवन बहुत ही सरलता से जी सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ भी उपभोग का कामना नहीं होता।